नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद आजमगढ़ की तरवा थाना क्षेत्र के टंडवा खास में पारिवारिक विवाद में आक्रोशित पति ने पत्नी की फावड़े से गले पर मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हाल की घटना को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया। वहीं घटना स्थल से पुलिस ने अलाकत्ल फावड़े को बरामद किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के टंडवा खास गांव निवासी ज्ञानेंद्र सिंह व उनकी पत्नी आशा सिंह दोनों घर पर रहते थे। इनकी दो पुत्रियों का विवाह हो चुका है जबकि दो पुत्र बाहर रहते हैं। बताया जा रहा है कि घटना के एक दिन पूर्व किसी बात को लेकर के आपस में कहासुनी चल रही थी। रात में खाना नहीं बना, सुबह फिर विवाद हुआ, इसके बाद हत्या हुई। स्थानीय लोगों को जानकारी के बाद सूचना पर जब पुलिस पहुंची तब शव बेड के नीचे लहूलुहान पड़ा था। मौके पर पुलिस के साथ फील्ड यूनिट CO लालगंज SP CT शैलेंद्र लाल मौके पर पहुंच गए। SP ने बताया कि यह जानकारी मिली कि आरोपी पति बहुत आक्रामक स्वभाव का है, उसकी दवा भी चल रही थी। अभी फिलहाल वह पकड़ से बाहर है, आरोपी की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच साइंटिफिक तरीके से कराई जाएगी। घटना के कारण को लेकर बताया कि उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। आज सुबह थाना तरवा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टड़वा खास में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल SO तरवा, CO लालगंज और SP CT को मौके पर भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभियुक्त अभी मौके से फरार है। जो मृतका हैं उनके परिजनों से संपर्क किया गया है, उनसे तहरीर लेकर FIR दर्ज करते हुए अतिशीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फील्ड यूनिट को भी साक्ष्य संकलन के लिए मौके पर भेजा गया है। जो भी आगे की कार्रवाई है विवेचनात्मक कार्रवाई है, साइंटिफिक तरीके से SO तरवा और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी। अभी अभियुक्त फरार है, अभियुक्त गिरफ्तार होगा, उससे पूछताछ की जाएगी कि किन कारणों से उसके द्वारा ये हत्या की गई। गांव में लोगों ने ये बताया है कि ये आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति है जो अभियुक्त है, और संभवतः किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ होगा जिसकी वजह से इसने अपनी पत्नी की इस तरीके से हत्या की है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।